आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6। ठीक है, उसके पहले मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने सेंड की थी, उसके नोट्स जो आपने बनाए हैं तो उसके अंदर आपके डायग्राम्स मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे कॉर्ड बनाई है तो कॉर्ड का एक एग्जांपल बनाना चाहिए, उसके सामने एग्जांपल लिखना चाहिए। तो मेरे लिए आर्क का हो गया, तो ए बी हो गया, ए बी ऊपर बार। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल के साथ अगर आप दोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो याद रहेंगे। जब भी आप इस नोटबुक को खोलोगे आपको ये नोट्स के तरीके से दिखाई देगा, क्लियर? वरना थोड़े दिनों में आप भूल जाओगे, बिकॉज ये वाला जो चैप्टर है वो 8th 9th 10th हर क्लास में आएगा। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था सेंटर ऑफ द सर्कल, वो ये हो गया ओ, ये आपका ठीक है, गुड। सेकंड आ जाते हैं रेडियाई। अच्छा, रेडियाई का मतलब थ्री क्या होता रेडिया है। है? रेडियाई का मतलब, रेडिया का मतलब होता है कि प्लूरल रेडियस, मतलब एक से ज्यादा प्लूरल रेडियस, तो प्लूरल उसको ऑफ वो रेडियाई, रेडिया बन जाता है। ठीक है। तो आपने बताया ओ ए, तो ये ओ ए हो गया, ठीक है, ये ओ बी, ये भी ठीक है, और ओ सी, उसी वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक है, और एक डायामीटर है एओ गुड। एसी। सेकेंड, इसको रिरेज कर देता हूँ। अब हम देख रहे हैं कौन सा डायमीटर। डायमीटर में आपका है एक ए सी, गुड। कोई डाउट इसमें? हाँ, अगर हम ए सी ए लिख देंगे तब भी एक ही बात होगी ना उसमें, क्या लिखेंगे, सी ए? सी ए या ए सी। हाँ, दोनों एक ही, वेरी गुड। ए सी लिखें या सी ए लिखें, दोनों सेम होगा। ठीक है, वो और एक बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि ए ओ सी लिख दें क्या? लिख सकते हैं, तो लेकिन एंगल हो जाएगा। वेरी गुड, हमने ये क्लास में डिस्कस कर रखा है कि वो एंगल हो जाएगा। तो हम लाइन के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं टू लेटर्स। तो अगर इसके अंदर अगर ये एंगल होता तो कनो ये कौन सा एंगल हो जाएगा एओसी? ये स्ट्रेट एंगल। वेरी गुड, स्ट्रेट एंगल। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डी पार्ट, कॉर्ड। कॉर्ड आपने बोला ई डी, एक और कॉर्ड है मैंने बताया था, एक और कॉर्ड है तो इसमें कॉर्ड, कॉर्ड लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो रुको रेडियस पता है, वो बन जाता है ना 2 टाइम्स रेडियस, तो डायमीटर बन जाता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड कॉर्ड। होती है, देखो मैं हाँ, समझाता एक लाइन आई, वो लाइन से बना होता है ना, एक टेंजेंट या कुछ। हूँ। नहीं, जैसे सर्कल है उसके अंदर हम कॉर्ड बनाते हैं, सबसे लंबी वाली कॉर्ड जो होती है वो सेंटर से पास करती है। तो ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है डायमीटर। अच्छा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर ये मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखा है। और लॉन्गेस्ट रेडियस भी डायमीटर है। लॉन्गेस्ट रेडियस नहीं होते, रेडियस तो हर जगह पे सेम ही रहती है, रेडियस तो सेम रहती है, उसमें लॉन्गेस्ट होती नहीं है। ठीक है, तो डी वाले में दो पार्ट दो आएंगे, ईडी एंड एसी। नेक्स्ट पे चलते हैं ई पार्ट, टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है?
अंदर मतलब एक सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर कौन से दो पॉइंट्स हैं? ओ है और एक पी है. वेरी गुड, दोनों की और कोई पॉइंट दिख ही नहीं रहा अंदर. गुड. नेक्स्ट उसने बोला कौन सा पॉइंट? एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का ना बाहर का. इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब क्या हो गया? बाहर का. बाहर, बाहर कौन सा पॉइंट है? पॉइंट क्यू. ये भी ठीक हो गया. उससे भी पता चलता है कि उन्होंने अ लिखा है तो एक हो गया. वेरी गुड, ये तो एक और तरीका हो गया ढूंढने का. वैसे वो अ इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि उनको एक ही चाहिए. ऊपर हाँ. भी ए और यहाँ पे टू पॉइंट लिखा था, यहाँ पे आप पॉइंट भी लिख सकते थे. तो आपको और पी में से कोई एक बताना होता तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, ओके ठीक है. नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूँ पहले. ओके नेक्स्ट है आपका जी पार्ट. यस, क्या है जी पार्ट? रीड करो. सर्कल से एक पीस कट करते हैं ना तो वो सेक्टर बन जाता है, उससे याद रहता है बस. तो देखो ना ये है ना ए ओ बी, ये सेक्टर है. तो ए ओ क्या है? रेडियस. ए ओ रेडियस है. ओबी, ओबी भी रेडी रेडियस है. एबी, एबी एक एबी आर्क. आर्क तो डेफिनेशन क्या हो गई? सेक्टर इज अ रीजन. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने वीडियो में. सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन बिटवीन टू रेडियाए. बोलो. बिटवीन टू रेडियाए एंड वन आर्क. Corresponding का मतलब इसी के साथ वाली. ठीक है, आपने ए ओ बी लिखा है तो आंसर ठीक हो गया. ये भी ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है एच पार्ट, लास्ट पार्ट. yes. इसके लिए सेगमेंट. सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट एक लाइन होती है, जैसे एक रे वो कर रही करे, एक जैसे रेडियस होता है ना. उसकी तरह एक लाइन होती है. अगर हम उसको इसको डेफिनेशन कैसे बताऊं, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है. अगर मुझे देखो इसके अंदर क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था आपको. जब एग्जाम में करना है आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक मार्क करके बस लिखना होगा ये सेगमेंट है. तो आप यहाँ पे एरो बना के लिख दोगे सेगमेंट. ठीक है, यहाँ पर आप एरो बना के लिख दोगे सेक्टर. तो इसको लिखने का तरीका नहीं होता, आपको इन दोनों को क्या करना है, मार्क करना है बस. तो मैं एग्जाम में ये नहीं करना ऐसे लिखना, जो मार्क करने के लिए होगा उसको मार्क करना पड़ता है. अगर लिखना होगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे. देखो ईडी है ना, हम लिखेंगे रीजन बिटवीन ईडी. अगर मैं ईडी के ऊपर लाइन बनाऊ तो वो क्या हो जाएगा? ईडी के ऊपर कॉर्ड. ईडी के ऊपर एक लाइन बना दो तो कॉर्ड हो जाएगा. और ये बनाऊंगा तो क्या? आर्क बनाऊंगा तो आर्क बनाऊंगे तो आ तब वो आर्क हो जाएगी. हाँ. तो ये और ये इन दोनों के बीच का जो रीजन है वो क्या है? सेगमेंट है. ठीक है? है तो हमें है. या तो इस तरीके से लिखना है या तो सीधा सीधा डायग्राम में उसको मार्क कर दो, दोनों ठीक है. इससे ऐसे करके भी याद कर सकता हूँ मैं, जैसे एक ये लाइन
मतलब सर्कल के बीच का पार्ट, जैसे अगर बीच में लाइन खींच दी तो वो दोनों एक पार्ट हो गए ना, वो सेगमेंट हो गया दोनों का। कौन सा वाला फिर दोबारा बताओ। हाँ यही वाला कह रहा हूँ। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Yes. क्वेश्चन नंबर टू आपने बोला है। रीड करो क्वेश्चन मेरे लिए। ए पार्ट इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो अ कॉर्ड। ओके आपने इसका आंसर दिया। इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब होता है कि अगर एक डायमीटर जो है सर्कल का वो कॉर्ड है। Yes, तो कॉर्ड से ही तो बना होता है। टू कॉर्ड से मतलब टू रेडियस से। ये एक डायमीटर है ठीक है। यस यस हाँ। और कोई डायमीटर बना के दिखाओ। और कोई डायमीटर एक ये बना दिया मैंने। ओके और कोई यस ये क्रॉस और ये भी हो सकता है। ये भी ये तो नहीं होगा ना क्योंकि वो तो बीच का पहले से ही है। तो क्या ये सारी की सारी कॉर्ड्स हैं क्या? नो ये तो सेक्टर है बेटा। सेक्टर एक एरिया है। सेक्टर ये चीज होती है ये। ठीक है मैं ये लाइन पूछ रहा हूँ। अच्छा ये तो ये तो है कॉर्ड। कॉर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? कॉर्ड की डेफिनेशन होती है ये याद तो नहीं रहता पर मेरे को वो पता चल जाता है कि कॉर्ड वो होता है ना एक जैसे एक लाइन है वो उसके आर्क और साथ में एक लाइन एक रेडियस से बना होता है। आप उस वीडियो को फिर दोबारा देखो आपको okay. याद समझ में आना चाहिए। आपने कब देखी वीडियो मुझे बताओ। मैंने तो कल भी देखी थी आज भी देखी है तो उसको फिर दोबारा एक बार देखना और जो वर्ड्स बोल रहा हूँ उसको वर्ड्स को समझने की कोशिश करो। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है ठीक है। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है जो उसके एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर होते हैं मतलब सर्कमफेरेंस के ऊपर होते हैं तो वो कहीं पर भी हो सकते हैं कहीं पर भी ठीक है ना। अगर ये चीज फिक्स हो जाती है तो वो कॉर्ड हो जाती है। सपोज एक लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हो जाए तो क्या वो कॉर्ड होगी? नो नहीं होगी बिकॉज उसको यहाँ से यहाँ तक एंड होना है ठीक है। और अगर एक लाइन है जो यहाँ से स्टार्ट होकर बाहर चली जाती है क्या वो कॉर्ड होगी? नो ए बी कॉर्ड नहीं है लेकिन अगर ए से लेके सी तक हुआ तो वो कॉर्ड होगी। ए सी कॉर्ड है बट ए बी कॉर्ड नहीं है। क्या बात समझ में आ गई ये चीज? यस। तो एक बार उस वीडियो को अच्छे से देखना उसमें से समझ में आएगा आंसर आपका। ठीक है Is every diameter is a chord? Yes. Agla. Is every chord is a diameter? Oh. No. Because. वो तो नहीं होता ना. अगर ये देखा जाए, ये chord है. क्या ये diameter है? Center से जा रहा है? नहीं जा रहा. No. तो no हो जाएगा उसका आंसर. Good. इस टाइप के वन मार्क क्वेश्चन आते हैं और साथ में रीजन भी पूछते हैं व्हाई। तो आप लिखोगे आप एक डायग्राम बना के दिखा सकते हैं उनको ये जैसे मैंने डायग्राम बनाया है
हाँ वो डायग्राम बना के उसको दिखा सकते हो, एज दिस इज अ कॉर्ड बट इट इज नॉट अ डायमीटर, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. वेरी गुड. ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये आता है 6 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आ जाता है कई बार, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स. हाँ ठीक है, चलो इसको ध्यान से देखेंगे. एंड मार्क इट्स अ सेंटर. बेटा इसको आपको साइड में लिखना भी पड़ेगा, आप जो जो बता रहे हो. सेंटर हो गया, आपने क्या लिया, ओ लिया ना, बताना भी तो पड़ेगा. नहीं बताएंगे तो आधे मार्क्स, आधा क्या, एक दो मार्क्स तो कट हो जाएंगे. हाँ तो बताना पड़ता है ना कि क्या है. ओके, सेकंड क्या था, रेडियस. अब आपने यहाँ पे बताया नहीं रेडियस कहाँ है, मुझे कैसे पता चलेगा, बताओ आपने कौन सी रेडियस लिया. मैंने और रेडियस बोलना, मैंने तो लिया था OA. OA लिया था ना, पर बहुत सारे रेडियस बन गए बाद में, बन गए, लेकिन बताना भी तो पड़ेगा ना, आपने OA लिया है तभी तो हम उसको टिक करेंगे कि नहीं चलेगा, हमें पता नहीं चलेगा. क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन में एडिटिंग कर लेना. डायमीटर बताओ, आपने डायमीटर कौन सी ली थी. मैंने तो ये ली थी डी ए वाली, ठीक है. तो आप उसको यहाँ पे लिखोगे भी, यहाँ पे डी ए. ओके, नेक्स्ट आता है सेक्टर. अब सेक्टर को हम बता तो सकते नहीं, हमें मार्क करना पड़ता है. बताओ कहाँ है सेक्टर. सेक्टर को कैसे, क्यों नहीं बता सकते, या तो लंबी सी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी. आप बताओ आपने कहाँ पे मार्क करा है. ये वाला. हाँ ये वाला ना, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे. एक सेकेंड, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे कलर कर देंगे पेंसिल से, ठीक है ना. इसको कलर कर दिया और फिर यहाँ पे लिख दिया, एरो बना के लिख देंगे सेक्टर. सेक्टर, कोई डाउट? नो. गुड. नेक्स्ट पार्ट आता है ई, सेगमेंट. आपने बताओ कहाँ पे करा. एक सेगमेंट दिस, ये मतलब ये, सॉरी ये तो उसको भी बता नहीं सकते, तो उस, हाँ बता सकते उसको, तो उसको तो बता सकते हैं. LM सेक्टर. नहीं नहीं, सेक्टर इज इक्वल टू सेक्टर. सेक्टर और सेगमेंट, LM तो बेटा कॉर्ड है. LM जो है वो कॉर्ड है, मैंने पहले भी बताया, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ एक बार. अगर मैं LM लिखूंगा तो वो कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है. और अगर LM लिखूंगा ऊपर आर्क बनाऊंगा तो वो आर्क हो जाएगा. yes. तो आप किसकी बात कर रहे हो, आप तो बात कर रहे हो सेगमेंट की. हाँ, आप उसके रीजन की बात कर रहे हो. तो अब यहाँ पे कलर करोगे और क्या करोगे, यहाँ पे एरो बना के लिख दोगे सेगमेंट. क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं, सेगमेंट हो गया. अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, बताओ कौन सा. अ पॉइंट इन एक्सटीरियर, इन गो, अ पॉइंट इन एक्सटीरियर है, इंटीरियर, इंटीरियर ना, तो इंटीरियर पे तो मैंने एक्स करा है. वेरी गुड, तो यहाँ पे लिखो, ठीक है, एक्स. नेक्स्ट आ गया पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, तो ये वाई करा था, तो यहाँ पे हम वाई लिख देंगे, ठीक है. ठीक है. ओके, लास्ट एन आर्क. एन आर्क ये बताओ कहाँ करा.
आंख तो मैंने देखो खुद भी याद करना पड़ रहा है, अगर आप लिख देते तो कितनी जल्दी बताते। हाँ तो बताओ आंख कहाँ है? इसको मैंने बनाया, इसको तो मैंने LME बनाया था ताकि मेरा कॉर्ड भी हो जाए और वो भी हो जाए ना। तो ये क्यों बनाया है फिर? EF क्यों बनाया था? EF मैंने दो बना दी। ठीक है तो कोई भी ले सकते हैं, LM भी ले सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर लिखना पड़ेगा LM और ऊपर बार, या ये भी लिख सकते हो EF ऊपर बार, सॉरी ऊपर आँख। ठीक है कोई डाउट अभी इस वाले क्वेश्चन में? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हो क्यों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? आता तो चार या छह नंबर का है, लेकिन बच्चे मार्क नहीं करते तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। पे आते हैं लास्ट क्वेश्चन। ओके फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.6 का। रीड करो। Two diameters of a circle will necessarily intersect. Yes, क्योंकि वो बीच में से जा रहे हैं दो डायमीटर तो इंटरसेक्ट तो करेंगे ही ना। वेरी गुड, एक डायमीटर ये एक डायमीटर ये तो इंटरसेक्ट तो होगा, चाहे आप कहीं से भी बना लो, इधर से बना लो इधर से बना लो तब भी इंटरसेक्ट करेंगे। गुड वेरी गुड, तो इंटरसेक्ट का मतलब होता है क्रॉस करना एक दूसरे को। ठीक है बी पार्ट का बताओ। The center of a circle is always in its interior. Yes, देखो रीडिंग इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, बच्चों की बताऊं गलती कहाँ होती है कि सेम क्वेश्चन आता है एक्सटीरियर बच्चे उसको इंटीरियर पढ़ लेते हैं अपने आप ही, बिकॉज फोकस ही नहीं होता वहाँ पर। बच्चे लगते हैं ओ ये तो वो वाला क्वेश्चन है जल्दी से कर दो, लेकिन टीचर क्या करती है उसको चेंज कर देती है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स एक्सटीरियर, बच्चों उसका फॉल्स होगा, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं ट्रू लिखाते हैं क्योंकि उनको रीडिंग फोकस होके नहीं करनी। मैथ्स में ट्रू फॉल्स इसलिए देखते हैं ताकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना बच्चे की ये ऐसे होगा वैसे होगा क्वेश्चंस में। ठीक है तो रीडिंग करते समय पूरा फोकस पूरा अटेंशन वहीं पर होना चाहिए। और इसी के साथ ये दोनों के दोनों एकदम ठीक है। गुड okay. तो आपका होमवर्क है एक्सेस ये थर्ड क्वेश्चन रीड हुआ रीड फिर दोबारा करो इसको अच्छे से। और जो डेफिनेशंस के आगे जो मैंने डायग्राम बनाने के लिए बोला है वीडियो और एक बार देखो ठीक है, और उसको okay. कॉपी करो वहां से, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना।